किस भी होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी रहती है। हरिचंद्र के बारे में विश्वामित्र वशिष्ठ को जवाब देते हुए और बोले, सुनो बाबा जी, सुनो, बाबा जी ओ राजन तेरे घर की बातें, ओ बाबा तेरे घर की बातें, और की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया, सुनो, बहुत प्रशंसा तब से कर रहे हो, इतने प्रशंसा के लायक तुम्हारा शिष्य नहीं है। कैसी बातें कर रही हो विश्वामित्र, हमारे शिष्य पर तुम शंका कर रहे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो मन में इच्छा हो वो मन में पूरी कर लो। ऐसे नहीं, मैं परीक्षा लेंगे। परीक्षा मेरे शिष्य की? जवाब दिया हाँ, तो ले लीजिए, ऐसी इसमें क्या बात है, पर ऐसे थोड़ी नहीं लेंगे। कैसे लोगे? मुझे तीन रूप दे दीजिए, मांग लो। पहले वरदान में सूखर बन सको, दूसरे वरदान में संत बन सको, तथा तीसरे वरदान में सर्प बन सको। जवाब दिया है मस्त, ऐसा ही होगा, तुम चले जाओ। महाराज हरिचंद्र महाराज हरिचंद्र की बगिया देखी। अब महाराज हरिचंद्र की बगिया जैसे ही देखी है, अब विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, मैं परीक्षा लूं कहां से प्रारंभ करूं। तो महाराज हरिचंद्र की फूल बगिया की तरफ नजर जैसे ही की है, तो महाराज हरिचंद्र की बगिया देखी, और वो बगिया थी कैसी, बताया गया है भैया। कती वो हरी भरी फुलवारी, ¡Gracias!
भैया आज विश्वामित्र की जो फूल बगिया थी, जाते ही जाते उस फूल बगिया को तैस नैस कर डाला, तैस नैस किया है। तो बोई विश्वामित्र निकल गए, तैस नैस करके माली आया जंगा को फाड़ते हुए आगे बढ़ गए। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही माली की जंगा को फाड़ा है, रक्त बहने लगा। जब रक्त बहा है तो हरिचंद्र की सभा लगी हुई थी। माली आया, माली ने जैसे ही जवाब दिया, बाबा जी महाराज महाराज जंगल में बगीचा में सुअर आ गया, उसने सारी मेरी बगिया को उजाड़ दिया और मुझे जब हमने मारा तो मेरी जंगा को फाड़ दिया। हरिचंद्र बोले, तुम्हें जो तनखा देता हूं किस लिए देता हूं? क्या तुम इतना भी काम नहीं कर सकते हो? जवाब दिया, हमने उसे मारा तो था पर लेकिन निकल गया, क्या करूं? तो अभी चलो इसी वक्त उस सूखर का वध करेंगे। शिवम भैया खैरपुर के रहने वाले हैं, इक्यावन मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। बंसी वाले कन्हैया सदैव भैया के धन के भंडार भरते रहे, सदैव मनोकामना पूरी करता रहे बंसी वाले और दुखी। जैसे ही महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, माली तुम्हें पता नहीं है ये समय कौन सा है कि है